अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस को हम दो वर्ड्स में ब्रेक करते हैं। गैमेटो से हमारा वर्ड गैमेट निकला और जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, जेनेसिस कहते हैं। तो यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस का मतलब हो गया गैमेट की फॉर्मेशन। तो ये सिंपल है, गैमेट्स की जब फॉर्मेशन हो रही होती है तो उस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब बेसिकली गैमेट्स बनते किससे हैं? जर्म सेल्स से बनते हैं, ठीक है। जर्म सेल्स कन्वर्ट होते हैं गैमेट्स में। नाउ गैमेट्स आर ऑफ टू टाइप, एक मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है। नाउ वी ऑल नो दैट अ मेल गैमेट इज कॉल्ड एज अ स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज एन ओसाइट। नाउ देयर इज अ बिट डिफरेंस। गैमेटोजेनेसिस एक ओवरऑल टर्म है। अगर मेल बॉडी में गैमेटोजेनेसिस हो रही होती है तो उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसका प्रोसेस डिफरेंट तरीके से होता है। और अगर फीमेल बॉडी में हो रहा होता है दैट इज कॉल्ड एज ओजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ ओसाइट। तो गैमेटोजेनेसिस एक ओवरऑल टर्म है जिसका मतलब है गैमेट की फॉर्मेशन। अगर वो मेल गैमेट फॉर्म हो रहा होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, अगर फीमेल गैमेट फॉर्म हो रहा होगा तो वी विल कॉल इट एज ओजेनेसिस। नाउ व्हाट हैपेंस कि जब स्पर्म और ओसाइट रिस्पेक्टिव बॉडीज में डेवलप हो जाते हैं तो उसके बाद प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, जिसकी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल इसकी नीड नहीं है। बट फर्टिलाइजेशन से क्या होता है कि द स्पर्म एंड द ओसाइट विल यूनाइट टू फॉर्म द ज़ायगोट। अगर हम क्रोमोसोम्स के उससे बात करें तो वी ऑल नो कि गैमेट्स में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ होता है। वी हैव 46 क्रोमोसोम्स टोटल इन अ ह्यूमन बॉडी। तो गैमेट्स में कितने होंगे? स्पर्म में 23 होंगे, ओसाइट में 23 होंगे, एंड दे रीयूनाइट टू गिव द 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। इस तरह से होता है कि हमेशा गैमेट्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में वो अगेन 46 हो जाते हैं। दैट इज़ अ कम्प्लीट नंबर जो कि एक ह्यूमन बॉडी में होता है। अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहती है कि जो ह्यूमन में जो ट्रेट्स होते हैं, उसकी किसी भी चीज़ के ट्रेट्स हैं, वो डिटरमिन्ड होते हैं बाय जीन्स। जो उस ह्यूमन के अंदर जीन्स होंगी वो डिटरमिन करेंगी कि इंडिविजुअल में किस तरह की ट्रेट्स हैं। और जीन्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। दिस इज़ व्हाट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस टेल्स अस, कि ट्रेट्स जो हैं ह्यूमन की वो जीन्स में होती हैं, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। अब हमने बात की कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स मीन्स दैट दे आर 23 पेयर्स। अगर हम 46 का हाफ करें दैट 23, तो 23 पेयर्स हो गए क्रोमोसोम्स के। 23 पेयर्स में वी हैव 22 पेयर्स जिसे हम कहते हैं कि दे आर ऑटोसोम्स, और इसमें से जो एक पेयर रह जाता है दैट इज कॉल्ड एज द सेक्स क्रोमोसोम पेयर। और इसमें अगर इस पेयर को हम कहते हैं कि एक्स एक्स है तो दैट इज़ अ फीमेल, एंड इफ इट इज़ अ एक्स वाई देन इट इज़ कॉल्ड एज अ मेल। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी वो ये है कि जर्म सेल से गैमेट्स बनते हैं। बेसिकली जर्म सेल्स कहाँ बनते हैं? जब सेकेंड वीक होता है डेवलपमेंट का, सेकेंड वीक में ये एपीब्लास्ट लेयर में बन जाते हैं। दे आर इन द एपीब्लास्ट लेयर। एपीब्लास्ट लेयर क्या होती है और ये सेकेंड वीक में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सब आगे मैं आपको बताऊंगी जब आगे के टॉपिक्स होंगे। लेकिन फिलहाल आपने इतना याद रखना है कि जर्म सेल सेकेंड वीक में एपीब्लास्ट लेयर में फॉर्म होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो है योक सैक की तरफ माइग्रेट करते हैं। योक सैक और रिस्पेक्टिव जो भी मेल और फीमेल गोनेड्स होते हैं उनमें मूव करते हैं, और ये सब होता है फोर्थ से फिफ्थ वीक के दौरान। ये वहाँ मूव करते हैं और फिर इनमें माइटोसिस होती है और इनका नंबर इंक्रीज होता है। तो फिर जब ये वहाँ चले जाते हैं तो उसके बाद फर्दर इनके अंदर प्रोसेस होते हैं जिससे ये गैमेट्स में कन्वर्ट होते हैं। नाउ अगर हम थोड़ा सा बुक का रेफरेंस लें तो मैंने आपको एम्ब्रियोलॉजी की बुक बताई थी, लैंगमैनस एम्ब्रियोलॉजी। इसका हम चैप्टर नंबर 2 खोलेंगे। चैप्टर 2 इज़ पेज नंबर 14।
और इसमें ये जो सबसे पहला पैराग्राफ है इसमें आपको ये सब बताया हुआ है कि किस तरह से जो है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स सेकेंड वीक में एपिब्लास्ट लेयर में जाते हैं एंड देन योक सैक के बाद ये गोनेड्स में माइग्रेट करते हैं। वहाँ पे इसके अंदर जो दो प्रोसेस होते हैं, एक तो वो है गैमेटोजेनेसिस जिसमें मियोसिस होती है, मियोसिस से भी ऑल लोगों के क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, और साइटोडिफ्रेंसिएशन से इनकी मैचुरेशन होती है और फिर ये वहाँ पे स्टे करते हैं। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे ये जो डायग्राम है दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, क्योंकि इसमें क्या शो किया हुआ है कि ये एक डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ये इसका हेड एंड एम्ब्रियो का ये वाला टेल एंड है, और ये जो नीचे पूरा ये जो शो किया हुआ है दिस इज़ द योक सैक। योक सैक की वॉल का एक कट सेक्शन लिया हुआ है, तो इसके अंदर आपको ये जो रेड सब दिखाया हुआ है ये शो किया हुआ है कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं जो योक सैक की वॉल में आ गए हैं। सो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो कि योक सैक की वॉल में है। सो दिस डायग्राम शोज दिस। इसके बाद इस पेज पे आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताई हुई है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 46 पेयर्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें ऑटोसोम्स कौन से होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम का पेयर कौन सा होता है, और फर्टिलाइजेशन से 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रीस्टोर हो जाते हैं। सो दिस इज द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद प्रोसेस शो किया हुआ है माइटोसिस का विद डायग्राम्स एंड मियोसिस का, जो कि आई गेस इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता किसी के लिए भी, क्योंकि बहुत दफ़ा हम पहले पढ़ चुके होते हैं इसके सारे स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड एनाफेज। तो इसको बस आपने एक रीड देना है, दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये इसलिए भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि सारे सेल्स में इसी तरह से डिफ्यूजन होती है, तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि माइटोसिस में क्या होता है और मियोसिस में क्या होता है। सो दिस वॉज ऑल द बेसिक डिटेल्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस, कि गैमेटोजेनेसिस बेसिकली होता क्या है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लिनिकल कोरिलेट्स भी बता दूंगी जो भी इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और इसके अलावा हम नेक्स्ट चैप्टर्स में अब अपने पढ़ेंगे ओजेनेसिस का पूरा एक प्रोसेस और स्पर्मेटोजेनेसिस का, जो कि मेल और फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर से वो स्टार्ट